सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। तो ग्रेड बी एग्जाम जल्दी ही आपके सामने होगा, यानी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो आपकी तैयारी कैसी है इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको पता चलेगा, बिकॉज बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज हैं और एक एक क्वेश्चन को तराश के लेके आए। कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे आए। तो अगर आप भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का सपना 2024 में पूरा करना चाहते हैं तो अभिपीडिया सबसे अच्छा मंच है, बिकॉज वी आर नंबर वन। नेक्स्ट इज एंड वी हैव अ कंप्लीट कोर्स। अगर मैं बात करूं, चाहे वो फेस वन की हो चाहे वो फेस टू की हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लियर। इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, मेंटरशिप होगी आपकी, पीडीएस होंगे आपके, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सब कुछ एक ही मंच पे। तो प्लीज अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे सिलेक्शन हैं, बहुत सारे सिलेक्शन होंगी, आगे भी होंगी, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल पे करवाया जाता है, क्लियर। चलिए, आज हमारा प्रीवियस ईयर सेशन नंबर 6, जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं जैसे बहुत अच्छे लेवल के करते हैं। चलिए, मैं तक गोज टू अ स्टेशन शॉप एंड बाय 4 पिंक स्केच पेन्स एंड सम येलो स्केच पेन्स। मतलब कुछ पिंक हैं और कुछ हमारे पास हैं, आप कहेंगे येलो, क्लियर। द प्राइज ऑफ अ पिंक स्केच पेन वॉज ट्वाइस द प्राइज ऑफ येलो स्केच पेन। वेन शॉपकीपर कैलकुलेटेड द अमाउंट, इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्केच पेन्स ऑफ टू कलर हैड बीन इंटरचेंज। ओके, दिस इंक्रीज द अमाउंट बाई 50%, यानी 50% बढ़ा दिए। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिंक स्केच पेन्स टू द नंबर ऑफ येलो स्केच पेन्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। देखो, 12, 8, 20 और 16, नन ऑफ दिस। तकरीबन पहले चार ऑप्शन मुझे ये कह रहे हैं कि जो मेरा अमाउंट है वो बड़ा है, येलो वाला बड़ा दिख रहा है। चलो देखो, सबसे पहले बात करें पिंक कितने मेरे पास, पिंक मेरे पास 4 पेन है, ये फिक्स है। मैंने येलो माने कि मैंने येलो एक्स खरीदे थे, क्लियर। अच्छा, अब मुझे सिंपल सी एक बात दी गई है कि अगर मेरे पास प्राइस भी दिए है ट्वाइस दैट ऑफ येलो, यानी इसका मैं मानता हूँ, अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इसका 2p है, पिंक का डबल है, तो ये कितना का p आ गया, 2p एंड p आ गया, क्लियर। अगर यहां से मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहूँ, टोटल अमाउंट 4 × 2p प्लस ऑफ x इंटू p, यानी p अगर यहां से कॉमन ले लो, कितना बचा मेरे पास, इट इज विजिबल, यस, 8p प्लस ऑफ x, यानी यहां से मुझे पहले इक्वेशन से ये पता चल गया, क्लियर। सेकंड कंडीशन के लिए मेरे पिंक और येलो का ये जो है ये बराबर है, बट ये पलट गया, यानी सेकंड केस, केस टू की अगर मैं बात करूं, केस टू के लिए अमाउंट क्या होगा मेरे पास, अमाउंट होगा 4 × p प्लस ऑफ 2p × x, यानी 4p प्लस ऑफ 2px, क्लियर। यानी p अगर यहां पे कॉमन लेता हूं, कितना आएगा, 4 + 2x, ये केस 2 से हो गया। अब ये क्या कह रहा है, देखो, इंक्रीज एन अमाउंट बाय 50%, यानी अमाउंट इस केस के लिए मेरा 50% है, 2/3 हो गया। 50% का बेसिकली मतलब क्या है मेरे पास, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 अमाउंट 3 था वो कितना हो चुका फाइनली, 3, क्लियर, सॉरी। इसका मतलब मेरे पास क्या दिया है, 8, एक मिनट, पी तो कॉमन ले, 8 + x अपॉन 4 + 2x इजिकल टू कितना, 2/3। ये एक जनरल इक्वेशन बनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना, जल्दी से बताइए। 8 + x अपॉन 2x + 4, तो ये कितना होगा, देखो, 3x + 24 इक्वल टू 8 + 4x, तो ये कितना, 4x - 3x कितना, x आ गया, और 24 - 8 कितना गया, 16। तो अगर x 16 था, यानी मेरे पास क्या था, येलो कितने, 16 - 4 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 12, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभिपीडिया के मंच में मिल रहे, बिकॉज वी आर नंबर वन इन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई यूर डाउट। अगर कोई ज्यादा आपको लग रहा है तो आप बताइए, तो पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, क्लियर। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से अगर मैं बेसिकली बात करूं, तो बहुत लंबा छोटा क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ, काफी लॉजिकल है। मिस्टर 3 सन ऑफ मिस्टर शर्मा, राम, रामू, हैरी एंड महेश आर लिविंग इन दिल्ली। मिस्टर शर्मा इज ऑल्सो लिविंग विद देम। रामू सैलरी एंड महेश सैलरी पुट टूगेदर इज 1,25,000, यानी रामू की बात करूं प्लस महेश
इन दोनों की सैलरी मिला के कितनी है मेरे पास, 1,25,000। चलो यहां से मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली, रामू सैलरी इज 25% ऑफ हैरिस एंड महेश सैलरी पुट टुगेदर। देखो अगर मैं रामू की बात करूं, रामू के साथ कौन है, हैरी एंड महेश, हैरी प्लस महेश, यानी रामू की सैलरी क्या, अगर ये 4 है तो 1 है, टोटल का 25% उसने क्या बोला, हैरी सैलरी एंड महेश सैलरी, ठीक है पुट टुगेदर। महेश सैलरी इज 50,000 लेस देन हैरी सैलरी, यानी हैरी की सैलरी और महेश की सैलरी का बेसिक डिफरेंस कितना है मेरे पास, 50,000। ये भी चलो मुझे पता चल गया यहां से, क्लियर। मिस्टर शर्मा डजंट वर्क, रामू एंड हैरी गिव 15% ऑफ हिज सैलरी टू मिस्टर शर्मा। ओके चलो पहले यहां से देखो कुछ निकल सकते हैं। अब यहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब इसको देखना है मुझे कैसे लेके चलना है। देखो रामू प्लस महेश, यानी महेश की सैलरी कितनी है मेरे पास, 1,25,000 माइनस रामू सैलरी, अच्छा अगर मैं इनको यहां से लेके उठाऊं, अगर क्वेश्चन को यहां से उठाऊं मैं तो कुछ बता सकता हूं। देखो महेश की सैलरी दी अपने को इतनी, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी सैलरी निकाल के रामू की सैलरी निकाल के देखूं, तो अगर मैं यहां से रामू की सैलरी निकालूं तो क्या कुछ हो सकता है, रामू की सैलरी इक्वल टू 1,25,000 माइनस महेश सैलरी, क्लियर, क्योंकि मुझे यहां से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है कि एच प्लस एम अपॉन रामू, या मैं ऐसे बोल सकता हूं रामू अपॉन एच प्लस एम इज इक्वल टू 1/4, क्लियर। अगर मैं इनको दोनों को एच और एम में ले आऊं, क्योंकि यहां से अगर मैंने रामू की सैलरी पुट की तो देखो यहां से एक एच और एम की इक्वेशन पड़ी हुई है, क्या यहां से भी एच और एम की इक्वेशन आएगी, यस बिल्कुल आएगी, तो यहां पुट करें इसको 1,25,000 माइनस एम अपॉन एच प्लस एम इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कितना हो गया 5,00,000 माइनस ऑफ 4m इज इक्वल टू एच प्लस एम, क्लियर। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, देखो 5m प्लस एच इज इक्वल टू 5,00,000 क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूं, कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4,50,000, तो ये कितना आ गया 6,742 और कितना बचा मेरे पास, क्या यहां से कट भी रहा है, 6,742 और 30, क्या 75,000 पे गया ये, बिल्कुल 7×6=42 5×30 75,000 आ गया, यानी मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास वैल्यू एम की, क्लियर एम की वैल्यू आ गई। अच्छा तो यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो अगर एम की वैल्यू इतनी आ गई तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई, देखो तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 75,000 प्लस 50,000 इज 1,25,000, क्लियर। अच्छा एच इतना आ गया, एम इतना आ गया, और क्या रह गया, आर रह गया, अगर आर में यहां से निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 1,25,000 माइनस 75,000 इज हाउ मच, 50,000। तो कैलकुलेशन ठीक ठाक थी इस क्वेश्चन में, कोई छोटा मोटा लेवल का क्वेश्चन नहीं था, क्लियर ठीक है जी। अब मुझे क्या कह रहा है, सबसे पहले इनको ऐड कर दो जरा, 75,000 2,00,000, ये कितना आ गया 2,50,000 क्लियर। अच्छा 2,50,000 आ गया। अब मुझे क्या कह रहे हैं, मिस्टर शर्मा डजंट वर्क, रामू हैरी एंड महेश की 15% ऑफ सैलरी, मतलब 15% मिल रहा है इसका, तो कितना हो गया 37,500, ठीक है, क्योंकि इसका जब आप निकालोगे, मैं थोड़ा सा यहां से ऊपर कैलकुलेशन भी करके देख लें, होपफुली समझ आ गया हो क्वेश्चन, आपने इजी इसको कर भी लिया होगा, क्लियर। चलो जी मुझे क्या निकालना है, देखो तो अल्टीमेटली करना कितना पड़ेगा मुझे, 2,50,000 का कितना निकालना है मुझे, 15% 25,000 हो गया, उसका 10, 12.5, ठीक है 37,000, और वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है 20%, इसका 20% कितना, 7,500 कितना बचा,
30,000 ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर. क्लियर, दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने भी किया. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज क्लास. टू डेली वर्कर्स राजेश एंड दिनेश एग्री टू कंप्लीट अ वर्क इन मनरेगा फॉर 1200. दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज. यानी अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ राजेश, कितना मेरे पास 10 डेज, एंड टाइम ऑफ दिनेश इज हाउ मच 20 डेज. ठीक है, सिंस अनदर पर्सन समीर ऑल्सो ज्वाइंट देम दे कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज. यानी टाइम ऑफ राजेश प्लस दिनेश प्लस समीर 6 डेज. सबसे पहले इनका आप ले लो एलसीएम सर, क्योंकि जो जिस रेशो में एफिशिएंसी जाएगी उसी में बैठेगा. ठीक है, 60 ले लो तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 10 आ गया. यानी टोटल अगर 10 काम करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा 1200. एक की वैल्यू कितनी आ गई 120. अगर एक की वैल्यू 120 आ गई, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मोस्ट एफिशिएंट वर्कर 6, तो 120 आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 720. क्लियर, तो एफिशिएंट वर्कर बताना था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर, ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको फटाफट. चलिए, अ पैकेजिंग मशीन ए ऑफ कुरकुरे कैन पैक 1 लाख पैकेट्स इन 10 आवर्स. तो 1 लाख कितने घंटे में, 10 घंटे में. पैकेजिंग मशीन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लग रहा है मुझे. पैकेजिंग मशीन बी ऑफ कुरकुरे कैन पैक द सेम नंबर ऑफ पैकेट्स इन 12 आवर्स, वाइल पैकेजिंग मशीन सी कैन पैक दैम इन 15 आवर्स. ऑल द पैकेजिंग मशीन आर स्टार्टेड एट 8 AM, वाइल पैकेजिंग मशीन ए इज क्लोज एट 10 AM, एंड द रिमेनिंग 2 पैकेजेस मशीन कंप्लीट द वर्क अप्रॉक्सीमेटली एट वट टाइम विल वर्क भी फिनिश. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली पाइप एंड सिस्टम ऐसा क्वेश्चन आता है और ये इसको बस पैकेजिंग में बदल दिया उन्होंने. क्लियर, देखो अगर मैं बात करूँ टाइम बाय मशीन है कितना दिया 10 आवर दिए, अच्छा टाइम ऑफ बी कितना दिया 12 आवर दिए, सर टाइम ऑफ सी कितना दिया मुझे 15 आवर, काम कितना, काम ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है कितना दिया 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 10,000 पैकेट्स पर आवर आ गई होगी. चलो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई आपके पास 1 लाख बाय 12,000, 25,000 बाय 3 पैकेट्स पर आवर. देखो जरा इसको, ये घटे का 25 जाएगा 3 पे, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 1 लाख बाय 15,000 ये आ गई 20,000 बाय 3 पैकेट्स पर आवर. अपॉन में यार आने दो, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना. एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप कैलकुलेशन से डरें. क्यों डरना है कैलकुलेशन, जब आपने मेहनत करी हुई है. ध्यान रखो जब आप प्रगति के पथ पे है ना, तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, चिंताएं आएंगी, उनमें से एक ये है क्या, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन अगर आरबीआई ग्रेड भी ऑफिसर बना तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको. क्लियर, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑल द पैकेजिंग मशीन आर स्टार्टेड एट 8 AM, कि सारे के सारे जो पैकिंग मशीन हैं उनको हमने 8 बजे चला दिया. ठीक है जी, चला दिया, फिर क्या किया, ठीक है फिर क्या किया, 8 बजे चलाया ऑल द पैकेजिंग मशीन एंड ए इज क्लोज एट 10 AM. इसका मतलब इन 2 आवर, पहले 2 घंटे का काम देखना है मुझे, देखना है पहले 2 आवर का वर्क कितना है. क्लियर है, देखो अगर मैं पहले 1 घंटे की बात करूं, ए कितना काम करेगा 10,000, ये दोनों कितना करेंगे 25,000 प्लस 20,000, 45,000 बाय 3 हाउ मच 15,000. तो मोटा मोटा देखूंगा 25,000 काम हो गया 1 घंटे में, 1 आवर में कितना काम होगा 25,000, तो 2 आवर में कितना होगा मेरे पास 2 आवर का काम कितना होगा स्टूडेंट 50,000 हो गया. तो रिमेनिंग वर्क कितना है, इसमें से 50,000 गया, कितना बचा 50,000. अब ये काम किसको करना है, रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीटली द कंप्लीट द वर्क अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम. तो टाइम ऑफ किसका बी प्लस सी एंड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ क्या बी प्लस सी. क्लियर, तो 50,000 टाइम ऑफ बी प्लस सी मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी कितनी आ गई अभी निकाली थी मैंने, कितनी 15,000, 30 से 30 काटो, होपफुली ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा बिठा दूंगा.
चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या दिया मुझे, तो टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना है मेरे पास, 50 डिवाइडेड बाय कितना 15, तो 5 10 5 15 यानी कितना 3 1/3 आवर, यानी कितना हो गया 3:1 है, 20/60 कर दो इसे, तो 3 घंटे 20 मिनट। देखो 8 और 3 8 और 2 10, 10 के बाद 3 घंटे 20 मिनट कितना हो गया 1:20। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर, दैट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट करो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए जरा। चलिए चलिए देखो, क्लास ए में अब गलती कहां करोगे जल्दबाजी में, मुझे पता है। देखो मैं क्लास ए की बात करूं, क्लास ए में क्या दिया मुझे, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स कितना दिया मुझे, 2:3 दिए, ठीक है। क्लास बी है गर्ल्स टू बॉयज, मतलब क्लास अगर बी की बात करूं उसमें गर्ल्स टू बॉयज दिए, यानी गर्ल्स कितनी है 5, बॉयज कितना 3। आप गलती यही करोगे, 5:3 लिख दोगे, फिर बाद में आएगा नहीं। अब वो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज एटलीस्ट ट्वाइस एज मैनी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी। देखो सबसे पहले ये कितना 5 है, ये कितना 8 है, रेशो वाला देख के पहले बराबर करो इनको जरा, इसको करो 8 से मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 5 × 15 = 25, हो गया 40। बट क्वेश्चन में एक बात और बोले कि पहले वाला एटलीस्ट ट्वाइस तो है ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 2 = 32 हो गया, 24 × 2 = 48 हो गया, और ये कितना 15:25, इसका मतलब ये 80 है और ये इसका आधा 40 है, देखने की जरूरत नहीं है, कितना हो गया 47, यानी कितना हो गया 47 डिवाइडेड बाई कितना 120 × 100%, ये निकालना है मुझे आंसर कितना आएगा आपका, कैलकुलेट कर लो। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताइए मुझे कितना है। देखो ये कितना बचा 46 और ये 5, तो 47 × 5 / 6, तो 5 × 20 235 डिवाइडेड बाय 6%, तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखो कितना आएगा 6 × 3 = 18, कितना बचा आपके पास 5 × 55 39.1/6.66, तो 17 के अराउंड आएगा ये। क्लियर, चलो एक बात और सुनो मेरी, देखो अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, पहले मैं बॉयज इन ए कितना आएगा 2/3 का मतलब 2:5 का मतलब 40%, अच्छा बॉयज इन बी इसकी बात करो तो बॉयज टू गर्ल्स कितना दिए, मतलब ये कितना गया 3/8, यानी 3/8। क्लियर, तो ये कितना आएगा 3/8, देखो 3/8 ही आएगा ना, हाँ, तो ये कितना होता है 37.5%, तो आंसर जो मेरा 40 और 37.5 के बीच में ही आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हो, तो बीच में आएगा, तो ये भी कैंसिल होगा, तो एक ही आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, बट नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो आप इजीली कंसीडर नहीं कर पा रहे। क्लियर, चलिए अब देखिए आपके पास कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ दिस इक्वेशन, टू इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशन एंड गिवन आंसर्स। देखो अगर एक पहला अगर सही आ गया तो ए बी सी डी ई, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। करो जरा पहला क्वेश्चन सॉल्व, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताओ मुझे कितनी आती है, और एक कमेंट सेक्शन में लिख देना कितना आंसर आया। देखो एक्स की वैल्यू पुट आउट करो सबसे पहले, देखो 63 x² + 95x + 22 = 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले इसको और इसको एक पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई मत करो, बेफजूल मत जाओ। 63 का मतलब कितना हुआ 3 × 3 = 9 = 67, 22 का मतलब क्या हुआ 2 × 11, मतलब मुझे कोई ऐसा पेयर चाहिए जो ऐड है सब्ट्रैक्ट करने में, बेसिकली ऐड करने में 95 दे रहा है और मल्टीप्लाई करने में मुझे 63 × 22 बन रहा हो, और उसमें 11 आना चाहिए। तो 11 के साथ सबसे बड़ा नंबर कौन सा 77, 3 × 3 = 9 = 18, 77 + 18 = how much 95, तो ये सबसे तेज तरह तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो।
तो ये कितना आ गया मेरे पास 63 एक्स स्क्वायर प्लस 77 एक्स प्लस कितना गया 18 एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 7x को मान लो 9x प्लस 11 सात न बिल्कुल जी। और अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे x की वैल्यू कितनी आई 9x प्लस 11 इंटू ऑफ 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 11 बाई 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 बाई 7। क्लियर। चलो लेट अस सॉल्व फॉर द वाई 14y स्क्वायर प्लस 87y तो मुझे आसान सा लग रहा है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। देखो 14 को कैसे लिखोगे आप 2 इंटू 7 इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 560 आना चाहिए मेरे पास। क्या 8×7=56 होता है? बिल्कुल। तो कैसे लिखोगे 14y स्क्वायर प्लस 80y प्लस 7y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। मुझे तो साफ साफ दिख गया इसका कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। क्लियर। 80 और 70 बिल्कुल सिंपल सिंपल फैक्टर बने मेरे पास, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। क्लियर। नोट करो जल्दी से इसका आंसर, बता दो मुझे फिलहाल कितना आ रहा है आपका। क्लियर। तो ये कितना आ गया अगर मैं इसका 2y कॉमन लेता हूँ कितना आ गया 7 प्लस 40 प्लस 7y प्लस 40 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया माइनस 40/7 और y कितना आ गया माइनस 1/2। तो मुझे तो यहाँ पे कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, नो रिलेशन। क्लियर है। माइनस 40/7 माइनस 1/2 कोई नो रिलेशन। चलो 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 15 इक्वल टू 0 20y स्क्वायर माइनस 31y प्लस 12 इक्वल टू 0। बताओ जरा क्या आंसर है इसका। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहे हैं मुझे। देखो 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 14×15 225 210। तो 21 और 10 हो सकता है। देखो जरा अगर मैं करूँ 14x स्क्वायर प्लस 21x माइनस ऑफ 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कुछ बन रहा है माइनस प्लस करके। चलो देखते हैं जरा क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैंने 7x यहाँ से कॉमन लिया 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 5 कॉमन हो गए बिल्कुल जी बन गया। तो फैक्टराइजेशन एक कला है, खेल है जिसको आपको लंबे टाइम तक खेलना पड़ेगा। इन द सेंस प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी करनी पड़ेगी। क्लियर। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं क्वेश्चंस करवा सकता हूँ बट करना आपको ये। देखो 2x प्लस 3 एंड हाउ मच 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया मेरे पास माइनस 3/2 और x कितना आ गया मेरा 5/7 प्लस का। क्लियर। 12×24 तो 20y स्क्वायर माइनस 31y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12×24 यानी कितना आएगा मेरे पास 240। अभी मैंने एक फैक्टर बनाए थे। अभी एक फैक्टर बनाए थे, यही क्वेश्चन किया हमने पिछले इसमें बनाए थे क्या। चलो मेरे को कुछ आभास सा हो रहा। तो ये कितना बनेगा 20y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो 4y अगर मैं कॉमन लूँ 5y माइनस 4 माइनस अगर 3 कॉमन लूँ 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5y माइनस 4 एंड 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया y इज इक्वल टू कितना आ गया 4/5 और y कितना आ गया दोनों पॉजिटिव है और 5/7 से बड़ा है 0.7 0.8। यस। तो y ग्रेटर देन क्या आ गया मेरे पास, इसमें साफ साफ दिख रहा है y ग्रेटर देन x है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट अपन चुटकी बजाते कर देने। क्लियर। नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक मेरे को लगता है 2x स्क्वायर यार एक और है इसका 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 ये इजी है, ये आप होमवर्क करिएगा। कहने का मतलब है जब आप ये वीडियो देखें तो उसको पॉज करके करिएगा, इजी क्वेश्चन है। पहले कितना दिया 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इंटू
एक्स प्लस टू प्लस थ्री इंटू ऑफ एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू क्या गया माइनस थ्री बाई टू यानी 1.5, और यहाँ से कितना आ गया एक्स इजिकल टू माइनस टू, दोनों ही माइनस आ रहे हैं। चलो सो फाइव वाई स्क्वेयर प्लस टेन वाई माइनस फिफ्टीन इजिकल टू जीरो, तो 15 × 5 = 75, तो 15 × 5 बना दे, देखो जरा करें जरा, फाइव वाई स्क्वेयर प्लस 15y माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो 5y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 ऑफ 5y प्लस, तो y यहाँ से कितना आ गया माइनस 3, और y यहाँ से कितना आ गया 1। सो कुछ बन रहा है रिलेशन, चेक करो एक बार, मुझे तो कोई रिलेशन बनता दिख रहा, नो रिलेशन। छोटा एक बार बड़ा नहीं बन रहा। चलिए एक्स स्क्वायर 1024, ये आपका होमवर्क है, लिखेगा इसको होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करना इसका आंसर कितना, फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्लियर। सो दीज वर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू नंबर 6, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं इस साल और प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फेस वन या फेस टू कोई भी दिक्कत आए, ये कोर्स है, इस कोर्स में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, आपका पीवाईक्यू सेशन हो चाहे मैं बात करूं, देखो आपको क्लासेस मिल रही है इसमें, इसमें क्लासेस की पीडीएफ मिल रही है, मेंटोरशिप रहेगी आपकी इसमें, क्लियर है, ओके, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, क्लासेस होगी, पीडीएफ होगी, मेंटरशिप होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और आपके क्या है साथ में इसके टेस्ट सीरीज भी रहेगी जहां तक मुझे पता है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, और आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ 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 मैं फिर भी बता दूँ, नंबर ऑफ सिलेक्शन हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा, थैंक यू।